खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। रुक करते हैं सबसे पहले महानगर की खबरों की ओर। दुर्गा नवमी पर मां दुर्गा के नवे स्वरूप मां सिद्धिदात्री की भक्तों ने आराधना की। सुबह से ही राज्य भर के पंडालों में मां की भव्य आरती की गई। मां की वंदना में भक्त डूबे रहे। महानवमी पर कन्या पूजन और हवन भी किया गया। जगत मुखर्जी पार्क में मां दुर्गा की भव्य आरती की गई। भारी संख्या में लोग सुबह से ही मंडप के बाहर देखे गए। कथित रूप से सामूहिक बलात्कार कांड में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर जिष्णुदास और प्रदीप जोशी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। हाईकोर्ट के न्यायाधीश हरीश टंडन और न्यायाधीश कौशिक चंद की खंडपीठ ने आदेश दिया कि अगर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें 10,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी जाएगी। यह सुरक्षा 25 अक्टूबर तक बनी रहेगी क्योंकि इसी बीच 20 अक्टूबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव की जांच के लिए केंद्र ने नियुक्त किया अधिकारी। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय के खिलाफ जांच के लिए केंद्र सरकार ने अधिकारी की नियुक्ति की है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोवा में तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने के लिए निर्दलीय विधायक प्रसाद गांवकर को धन्यवाद दिया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, मुझे यह देखकर गर्व होता है कि दमनकारी भाजपा शासन के खिलाफ लड़ाई में युवा नेता मजबूती के साथ खड़े हैं। जिलों से जुड़ी खबरों पर एक नजर। पुरुलिया जिला अंतर्गत भामूरिया और नितूरिया में दुर्गा पूजा पंडाल देखने के लिए उमड़ी भीड़। यह भीड़ सुभाष सेतु की है। पूजा पंडाल में जूते चप्पल मामले में आयोजकों को मिली राहत। हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इनकार। अब रुक करते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। आर्यन को नहीं मिली बेल। एनडीपीएस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। अब 20 अक्टूबर को सुनवाई। अरबाज और मुनमुन भी जेल में ही रहेंगे। ताइवान में भीषण आग। 13 मंजिला इमारत में आग से 46 की मौत। करीब 79 लोग झुलसे। 14 की हालत गंभीर। मनोरंजन की खबरों पर एक नजर। रकुलप्रीत ने बिकनी पहन लगाई पानी में छलांग। दिल पर हाथ रखकर देखिए वीडियो। कल का मौसम। महानगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आंधी तूफान की ज्यादा संभावना है। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।